क्या आपने कभी ऐसे रेलवे ट्रैक को देखा है जिसकी पटरियां बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हैं और ऐसी पटरियों के ऊपर भी ट्रेन चलती है? और क्या आपने कभी ऐसे रेलवे ट्रैक को देखा है जो कि एक मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरता है? और जब इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती है उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बारे में सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा, जिन रेलवे ट्रैक्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से इंडिया का भी एक सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक शामिल है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है डेथ रेलवे थाईलैंड। 415 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है, जिसे वहां की गवर्नमेंट के द्वारा 1947 में बंद कर दिया गया। इसका कारण सुनने के बाद शायद आप इस जगह पर जाना कभी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि जब इस रेलवे ट्रैक को बनाया जा रहा था तो उस समय 90,000 से भी ज्यादा वर्कर्स की मौत कवाई नदी में गिरने से हो चुकी थी। इतनी भयानक घटना होने के बाद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद फिर से ओपन कर दिया गया और आज भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरते वक्त ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स इतना डरते हैं कि फिर से कहीं कोई हादसा ना हो जाए। नंबर 9 पर है डेविल्स नोज ट्रेन, इक्वाडोर। ये रेलवे ट्रैक कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आपको इसके नाम से ही लग गया होगा। 1902 में बना ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे हर कोई देखना चाहेगा। इस रेलवे ट्रैक पर चलने वाली इस ट्रेन को शैतान के नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है, इसीलिए इसे डेविल्स नोज ट्रेन बोलते हैं। अगर आप इस रेलवे ट्रैक को देखना चाह रहे हैं तो ये रेल यात्रा आपकी लाइफ की सबसे खौफनाक रेल यात्रा होगी। और ये रेलवे ट्रैक समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इतनी ऊंचाई पर जब इस रेलवे ट्रैक को बनाया जा रहा था तो इसे बनाते समय बहुत से वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई और उनमें से कुछ की तो डेड बॉडीज तक नहीं मिली, क्योंकि पास में ही जंगल होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। नंबर 8 पर है नेपियर जिसबॉर्न रेलवे, न्यूजीलैंड। ये ट्रैक एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो कि एयरपोर्ट के रनवे के बीचों बीच से होकर जाता है, लेकिन किसी भी ट्रेन को जब इस ट्रैक से गुजरना होता है तो उसे सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से परमिशन लेनी पड़ती है। इस ट्रैक को 1972 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1981 में ये बन के कम्प्लीट हो गया। इस रेलवे ट्रैक या इस रनवे पर जो भी ट्रेन या एरोप्लेन गुजरता है उसकी खबर एयरपोर्ट कंट्रोल रूम को होती है, लेकिन किसी दिन अगर इस रनवे पर किसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। नंबर 7 पर है ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। ये ट्रैक 1948 में बनके कंप्लीट हो गया था, जिसे पूरा बनने में 27 साल का समय लगा। इस ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रेन जमीन से 4,220 मीटर ऊंचे बने इस ब्रिज से होकर जाती है, जो कि इस पूरे ब्रिज को मेटल से बनाया गया है। लेकिन जब इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो ये पूरा ब्रिज कांपने लगता है। इस रेलवे ट्रैक की इतनी ऊंचाई होने की वजह से इसकी डेली जांच की जाती है, जिससे कि बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। अगर ट्रैक में जरा भी कुछ गड़बड़ दिखाई देती है तो तुरंत ही ट्रेन को रोक दिया जाता है। नंबर 6 पर है व्हाइट पास एंड यूकोन रूट, अलास्का, यूएसए। ये ट्रैक 172 किलोमीटर लंबा है, जो कि अलास्का की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है, जहां पर हमेशा ही बर्फ पड़ती रहती है। इस ट्रैक को व्हाइट पास नाम अलास्का के सबसे ऊंचे पहाड़ व्हाइट पास के नाम पर रखा गया है। इस ट्रैक को कनाडा और अमेरिका की अटूट दोस्ती की निशानी भी माना जाता है। इस रेलवे ट्रैक से आपको पहाड़ों का जितना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा उतनी ही गहरी और खतरनाक खाई भी देखने को मिलेंगी, जो कि ये गहरी खाई बिल्कुल रेलवे ट्रैक के पास में ही है। अगर ट्रेन से कोई भी इस खाई में गिरा तो उसका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल है और हो सकता है कई दिनों तक तो डेड बॉडी भी ना मिले। नंबर 5 पर है जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, यूएसए। ये रेलवे ट्रैक अमेरिका के कोलोराडो में है, जो कि इतना पतला है जिसे देखने के बाद आप खुद ही यकीन नहीं कर पाओगे कि कोई भी रेलवे ट्रैक इतना पतला हो सकता है क्या। इस ब्रिज और हार्ड मोड़ की वजह से ट्रेन को बहुत ही धीमे और बहुत ही सावधानी से निकाला जाता है। ड्राइवर की एक चूक ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की मौत का कारण बन सकता है। दो पहाड़ियों पर बने ये रेल ट्रैक 1887 में बनके तैयार हुआ, लेकिन कुछ खतरनाक हादसों की वजह से 1939 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद इस रेलवे ट्रैक में कुछ बदलाव करने के बाद 1984 में इसे फिर से ओपन कर दिया गया। ये ट्रैक कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ट्रैक तो सिर्फ 7.2 किलोमीटर का है, लेकिन जब ट्रेन इन पहाड़ों पर चलती है तो उसे सिर्फ ये 7.2
2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। नंबर 4 पर है एसो मिनामी रूट जापान। दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट्स में से एक एसो मिनामी रूट जापान में है। ये रेलवे ट्रैक एक खतरनाक पुल से होकर गुजरता है जो कि आज से बहुत साल पुराना है। ट्रेन ड्राइवर का सिर्फ एक गलत कदम आपको मौत की तरफ ले जाने के लिए काफी है। इस ट्रैक के लिए ये पुल तो इतना बड़ा खतरा नहीं है। इस ट्रैक को जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस रेलवे ट्रैक के पास में ही स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगर ज्वालामुखी फटा तो वहाँ से जाने वाली ट्रेन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और ट्रेन में बैठे यात्रियों का क्या होगा इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 3 पर है मैकलोंग रेलवे मार्केट ट्रैक थाईलैंड। क्या आपने कभी मेन मार्केट के बीच से किसी ट्रेन को गुजरते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप देख लो। ये मैकलोंग रेलवे ट्रैक थाईलैंड की एक मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये रेलवे ट्रैक कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मार्केट में खड़े व्यक्ति और ट्रेन के बीच का फासला 1 फुट भी नहीं होता है। अगर गलती से कोई भी इस ट्रेन के नीचे आया तो उसका मरना तो पक्का है, लेकिन आज तक यहाँ की कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। क्योंकि जब इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती है तो इस मार्केट के सभी लोग कोई हादसा ना हो जाए इस बात की पूरी सावधानी रखते हैं और अपनी अपनी दुकानों को रेलवे ट्रैक से पीछे हटा लेते हैं। और जैसे ही ट्रेन इस मार्केट से गुजर जाती है वैसे ही मार्केट फिर से पहले जैसी हो जाती है। नंबर 2 पर है रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई। गाइस ये रेलवे ट्रैक दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है जिसे समुद्र के ऊपर से बनाया गया है। तमिलनाडु को रामेश्वरम के पुंबन द्वीप से जोड़ता है इसलिए इसे पुंबन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा पुल लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा है जिसे 1911 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1914 में ये बनकर कंप्लीट हो गया। ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है और ये ट्रेन समुद्र की तेज हवाओं और लहरों को चीरती हुई जाती है जो कि इस ट्रैक को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इस रेलवे ट्रैक के ऊपर तक ये समुद्र की लहरें पहुंच जाती हैं और जब समुद्र में और भी तेज लहरें आती हैं तो ये लहरें कभी कभी इस ब्रिज से भी ऊपर निकल जाती हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में जिसका नाम है एंडीज डब्ल्यू रेलवे रूट इंडियाना। गाइस ये रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है जो कि आप इसकी पटरियों को देख के समझ ही गए होंगे क्योंकि ऐसी पटरियां किसी भी रेलवे ट्रैक की नहीं होती हैं। इस ट्रैक पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। जब ट्रेन के डिब्बों में ज्यादा लोड होता है तो उसके डिब्बे ऐसी पटरियां होने की वजह से पलट भी जाते हैं और कई बार तो यह हादसा इतना खतरनाक हो जाता है कि इसमें ड्राइवर तक की जान चली जाती है। ये रेलवे ट्रैक इतना ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी इंडियाना में इस ट्रैक पर आज भी ट्रेन चलती है। तो गाइज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इन सभी मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस रेलवे ट्रैक कौन सा लगा और क्या आप ऐसी एंडीज डब्ल्यू ट्रेन पर बैठना चाहोगे, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिससे कि उन्हें भी दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स के बारे में पता चल सके। और गाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।